हेलो भाई, अरुण पवार एंट्री जिम करके आ चुका है। टाइम 11 बज रहे हैं और वॉश बेसन पे भाई एक मग्गा भर रहा है। अभी ये किस लिए भर रहा हूँ अभी आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई निकलने की कहीं पे, तो मैं स्कॉर्पियो एन लेके जा रहा हूँ। अब थार तो बची नहीं है भाई गैलरी में, परफेक्टली बस दो ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एक अपनी किया और खाली रहती है। अच्छा स्पेशियस लगता है। तो यहाँ पे अब मैं वाइपर वाला ये खाली हो गया जाली और बिल्कुल, अरे यहाँ की जाली हटा सके थार में ना हटा सके, डरे से डालने के ना भाई। हमने एक ये पूरा डाल दिया और तब भी ये नहीं भरी। अब ये दूसरा मैं भर के लेके आया हूँ सेम टू सेम। अब देखो इसमें फुल हो जाए तो हाँ होगी। अरे बहुत लोग सरप का सा डालते हैं, मुझे नहीं पसंद यार वो सरप का सा ना खामा खा, और मुझे तो लगता है निशान से ही बन जाते हैं ये। इसके वाइपर इतने तगड़े हैं कि यार वो ऑटो वाले पे मैं साइड में इसमें एक बटन है, इस वाले बटन को दबाता हूँ ऑटो वाले को, ये ढंग से खुद ही मस्त क्लीन कर देता है। दो तीन बार चल चल के पुछ पुछ कर करके अपने हिसाब से कर देता है। तो चमका रहा हूँ भाई गाड़ी को, तैयार ही हो रही है जाने की बहुत दूर। देखिए दिनेश हमारा लग रहा है। इंजन कितना बड़ा है इसका? बहुत बड़ा, हाई वाज ऐसा एकदम जो ट्रक ना रहते हैं मेरे बड़े, उसके बराबर के इंजन है इसका। हैवी बिल्कुल, हैवी ड्यूटी इंजन है भाई स्कॉर्पियो का, 2200 cc का, और ये 4x4 है तो मैकेनिकली इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम देखोगे पूरा कवर्ड है भाई A to Z, बहुत सारी चीजें लगा रखी है महिंद्रा ने इसमें। कभी एक्सीडेंट होता है ना इसका तो भाई बहुत खर्चा आएगा उनको बनाने में, पर ये ऐसा सच ना हो मैं तो यही कहता हूँ हम ना बढ़िया सेफली चलती रहे। तो धो पहुँच के इसको रेडी कर देता हूँ, ऊपर से बहुत गंदी हो जाती है यार ये। हाथ गरम गरम है क्या मेरे? नहीं ठंडे, होमवर्क कर रहा है। तेरी राइटिंग कितनी गंदी है रे, राइटिंग सुधार ले। कौन सी क्लास में हो गया तू? मोटे पढ़ लिया कर कभी, खड़ा स्टैंड अप, मोटे की देख, मोटे खड़े हो। अरे मैया का समझ भी ना आ रही, ब्लू रेड पिंक। मोटे क्या लिख रहा है पढ़ की सुना? पढ़ना लिखना कुछ नहीं होता, पढ़ लिख ले कुछ बन जाएगा बड़ा आदमी। चल रहा है मेरे साथ घूमने? हैं 6 दिन बाद आऊंगा मैं, फिर तो करेगा मम्मा मम्मा कहाँ है मम्मा। 6 दिन के बाद? 6 दिन के बाद तू चल रहा है रे? और बहुत दिन हो गए कहीं घूमनी घूमी करने नहीं गए, तो आज जरा चलते हैं। और मैं किसी को नहीं लेके जा रहा साथ, तो किसी को भी, ऑल अलोन। और देखो पता नहीं यार हमारी गाड़ी में क्या लगा है यार, ये पता नहीं किस गाड़ी कौन सी खिसड़ती गई है। छोटी नीरा लाल ये देखना पूरा लाल 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 कर गया कोई इस पे। अब यार ड्राइवर भी तो एक ही नहीं है ना, खैर मल्टीपल है। और यार इसका ये और खो गया, ये टग ओवर वगैरह करते रहते हैं तो इसका ये भी ढक्कन खो गया। महिंद्रा में पूछना पड़ेगा मेरे को कि इसका क्या हिसाब है भाई, मिल जाएगा? क्योंकि भद्दी सी लग रही है यार पीछे से, अगर कोई देखे इसको तो देखना मिसिंग सा लगता है यार। पेपर वेपर मैंने चेक कर लिए, मैं पूरा आज इसको ग्लव बॉक्स वगैरह पूरा निपटा दिया मैंने, वरना इतना डस्ट सा जन क्या क्या पड़ा रहता है। नेपाल के सम्मान अभी तक पड़े हैं, ये देखना ग्लव बॉक्स में दवाइयाँ ववाइयाँ सब के पड़े हैं, पता ही नहीं यार होता ही नहीं मैनेज, कर लेते हैं इसको ढंग से क्लीन। और ये देखो भाई निकलने से पहले मेरी मम्मी मेरे को बना के दे रही हैं यहाँ पे अंगे, ये पैक करके ले जाऊँगा। मतलब सारे तो नहीं लेके जाऊँगा पर मुझे पसंद है ट्रिप व्रिप पे, तो मैं रात में निकलने का प्लान है भाई मेरा। अब किया ही खड़ी है यहाँ पे, जैसा कि थार तो वो चली गई यहाँ पे खड़ी रहती थी। ठीक है ना मम्मी, खुल्लो खुल्लो रहे अब है ना, पहले यार पूरा चौक भरो रहे हमारा गाड़ी इनते। ठीक है यार, तो देखो भाई आलू के बनवा रहा हूँ, आलू के बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दियों में कोई बनाता नहीं वैसे, गर्मियों में हम ज़्यादा खाते हैं, बट यार ट्रिप पे मुझे अच्छे लगते हैं, रात भर चलना है मेरे को। और बाहर का मैं खाता नहीं ज़्यादा कुछ, अब मतलब बाहर तो अनहेल्दी मिलता है यार। आँच पे से लगाते हैं, मैं ताप भी रहा हूँ, पूरी रात में गाड़ी खींचूँगा बस फोग ना हो। अभी तक तो है नहीं, 7 बजे आए हैं, तो थोड़ी देर पहले आकर आसर के पास बैठ के फिर निकलूँगा। ये देखो आलू की चटनी भरी जाती है इनके अंदर, इसको अब भीज देंगे और फिर हम लोग इसमें रख देंगे और बन गया मरांगा। बहुत अच्छे लगते हैं भाई ये, अभी ट्राई करके देखना। शहरों में तो खैर नहीं बनते ये, क्योंकि इसके लिए यही देसी घी भरते हैं। देसी घी कहाँ बोले हैं थे, गोल गोल से थे कढ़ाई, अंगीठी 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 शहरों में तो रहती नहीं, उपले से चलती है मतलब ये तो। अरे कितना गंदा अल्ट्रा वाइड आ रहा हो, आईफोन वाले सुधर जाओ। ये हमारी पैकिंग हो चुकी है भाई मेरी, इसमें जैकेट है और इसमें मेरे लगते हैं, इसमें जूते हैं और ये मेरे अंगे पैक हो गए हैं। यहाँ मत रखो मेरे ना ये, और ये आकाश के लिए दूध और अंगे लेके जा रहा हूँ मैं, और कुछ तो नहीं रह गया। जीन्स रखी एक आध और लोअर, ठीक ठीक भाई। मैंने सामान पूरा पैकिंग रख लिया अपनी, मैं और दिनेश चलते हैं वो, और हमें मम्मी आ गई है। लिखो मेरा नया नंबर लिखो, 97 28। अरे पूरा थोड़ी बताऊंगा, चिंतित वुमेन 57 में, क्योंकि भाई वहाँ पे पोस्ट पेड सिम ही चलती है ना, तो शी इज़ गोइंग 28।
और आगे बता दूंगा, अभी दो चार डिजिट और रहेगी तो अब मेरा नंबर बंद हो जाएगा 10 घंटे में, तो इनको चाहिए ना मेरे, उस कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे ये। और भाइयों मम्मी का ज्ञान सुन लो, कहीं कॉल वॉल पड़े रुक जाइयो, पर हम तो नहीं रुकेंगे भाई, हम तो खींचेंगे ना, हम टोपा पहने। दिनेश अपना टोपा दे देगा मेरे को, है दिनेश? हाँ ले लियो, कोई दिक्कत ना है। ओके ओके, अब हम जाने दो। अब हम लोग निकल गए भाई, दिनेश भी मेरे साथ है शॉल ओढ़ के, क्योंकि कल इसको बाइक पे आना पड़ेगा आकाश के साथ, तो कह रहा भाई ठंड लगेगी, तो ये एडवांस में सोच के चलता है अपना। तो पहुंचने वाले हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं हमारा। तो यहाँ पे आ चुके हैं भाई। अबे भाई सुनाओ कैसे हो, कटिंग वटिंग करवा के सेट लग रहे हो? अरे भाई भूख लग रही है हमें तो बहुत जोर से, ये बना रहे हैं हम तो। मैंने कहा चलो थोड़ी देर हम ये खा लेते हैं, इनको थोड़ा जब तक टाइम है तो बन गया। तेरे लिए यार एक टाइम, दोनों एक साथ आए, कोई नहीं, चल ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में खाता हूँ। हाँ हाँ अभी बनन दे ना, पर आप पूरे प्रॉपर, चलो ठीक है ठीक है। आकाश तो बतरा रहा है वहाँ पे बालकनी, अबे है वो उसका नाम। भाई अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ 11:30 बजे, टैक्सी टैक्सी और भैया देख कितनी, और अच्छा हम टैक्सी है, तुम्हारे यहाँ रहमी टैक्सी आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फ्लैट यार रहे तो ना है यहाँ, मतलब पार्किंग की बहुत सारी जगह है, वो कितनों चौड़ा रोड है यार, सब आके यहां पार्क करते हैं, 60-70 फुट को रोड है कम से कम। हां तो चल भाई फिर मैं निकलता हूँ। अबे भाई थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। चल भाई गाड़ी एक खड़ी अपनी और चलते हैं अब फटाफट, 11:30 हो गए हैं। चल ठीक है भाई, ठीक है भाई ठीक है, आराम से रेस्ट करो। अभी मैं निकल गया भाई गाड़ी में, और यार शहर में तो पता फॉग वॉग होती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, सोनीपत पानीपत मतलब पंजाब साइड जितनी भी आगे बढ़ूंगा, कोहल पे कोहल बढ़ता जाएगा। मतलब मैं उनके वहां से जब निकला इतना कोहरा, क्योंकि उनका आउट साइड में बढ़ता है। अब जैसे ये तो अंडरपास है, अब बाहर भी इतना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आगे चल के बहुत मिलेगा ट्रैफिक। क्या कह रहा हूँ मेरे में, फोग भाई धुंध। और लो भाई ट्रैफिक के नाम में ले ही रहा था ट्रैफिक दिल्ली में, और ना मिले भाई, रात के पौने पूरे पटपट भूतों का वास स्टार्ट हो गया है, 12 बज गए हैं, और ये दिल्ली में पता नहीं लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, पता ही नहीं भाई भगवान जाने। ना आकाश ना अभय ना दिनेश, कोई किसी को साथ नहीं लेके जा रहा हूँ भाई। तो भाई अब दिल्ली से पेट्रोल सॉरी डीजल फुल करवा लेता हूँ, गाड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं था, कुछ देती ही नहीं है, डीजल फुल करवा के चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो अभी मैं फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ भाई, पानीपत पहुँच लिया, और यहाँ पे ना धुंध नहीं है आज, सबसे बढ़िया मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, धुंध नहीं है। सब घर वाले मना कर रहे थे, सबको ये कंसर्न था मेन, कॉल पड़ेगा मत जा, पर आज कोहल नहीं है भाई, सही है। होप करता हूँ आगे भी ना हो। अभी मैं जलंधर का डाल रखा है ये, अरे मैंने बताया तो है ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं बताया ना शायद, चलो रहन दो अब तो क्या बताऊँ बीच में, मैं आपको जरा पहुँच के बताता हूँ भाई, रात रात में गाड़ी लगा दूंगा, बस ऐसी जगह जा रहा हूँ देखना। भाई यहाँ पे कोहल बढ़ गया है, अब अम्बाला के जैसे साइड जा रहा हूँ, मैं ले ली रेड बुल दो, अपना मस्त पीता जाऊँगा ये बैक टू बैक। भैया रे बहुत भयंकर ठंड है बाहर तो यार, और कोहल और बढ़ गया, और मेरे को आ रही है 4 बज गए यार, देखना वो 260 रुपये की दी है, 130 की नहीं ठगाऊंगा इतनी की आती है, 4 बज गए हैं, चलो चलते हैं। भाई अभी 6 बजे का वक्त है, नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, और जैसे जैसे सुबह होती जा रही है और पंजाब साइड बढ़ रहा हूँ, ये फोग बढ़ता जा रहा है और इतना बुरा बढ़ रहा है, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, देखना लो बीम ये हाई बीम, बिल्कुल भाई इनविजिबल हो रहा है सब सिस्टम यार, इतना भयंकर कोहरा, लिमिट होती है यार। भाई अभी मैं 7 बजने को आ रहे हैं, और नींद भी आ रही है, मैंने अंगे तो बीच में खा लिए थे जो मम्मी से पैक करा के लाया था, भूख सी लग रही थी, अब दोबारा लगन लगी है, पर मैं भाई इसलिए कैमरा ऑन किया मैंने आपको माइलेज दिखाने के लिए, मैंने सबसे ज़्यादा माइलेज अभी देखी 13.4 की अपनी एन में, मैक्सिमम आई हैव एवर सीन जो अभी फिलहाल अपने को दे रही है। क्यों इसका रीज़न भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई जो स्पीड मैं रख रहा हूँ ना आज, वो बहुत ही कम रख रहा हूँ, वरना मेरा पंजा थोड़ा भारी है, मैं 110-120 के लगभग चलाता हूँ, इससे ऊपर ही जब खाली रोड रहता है, अब देखना कोई एक गाड़ी दिख रही है, वो भी यार कम से कम भी 600-700 मीटर दूर, तो भाई फॉग भी है, मैं कैसे भगाऊँ इसको। तो अब घर वालों ने भेजा है कि भैया जय माता बुला रही हैं,
तो भाई फिर कैसे भगा सकते हैं ना यार, 7 बजे तक भी दिन नहीं निकलता यार। वो देख रहे हो आप, 7 बजे तक दिन का डीपी नहीं है अभी। भाई अभी टाइम देखो जरा आप, टाइम हो गया 7:30। ये भाई मेरे अलार्म का टाइम, जिम के लिए इस टाइम में जाग जाता हूँ, लेकिन आज क्या भाई, आज तो कोई अलार्म ही नहीं है। तो भाई 4-5 दिन मेरी कोई अब जिम विम नहीं होगी, लेकिन एक बहुत तगड़ा मैं वर्कआउट कर लूंगा इस ट्रिप पे, बहुत ही तगड़ा, जो मैंने अभी तक भी, आज मेरा 27वां दिन होता, मतलब 26 दिन हो चुके मेरे को जिम करते करते, डाइट मेंटेन करते करते। खैर फिलहाल तो भाई लगा पड़ा हूँ मैं, 7:30 बजे थोड़ा दिन सा होने लग गया, चिड़िया वड़िया दिखने लग गई है, अब लगने लगा है कि चलो दुनिया भी हमारी साथ जाग रही है। पंजाब वाले भाइयों थोड़ी कम पोल्यूशन किया करो। खैर ये तो हर जगह ही है, पर यार कितना मोटा पाइप निकाल रखा है धुएं का, फगवाड़ा आ गया यार, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। देखो भाई अगर आपको दिख जाए तो LPU आ गया है, यहाँ से पढ़े हैं आकाश और अभय यादव फ्रॉम बिहार, ये आपको दिख रहा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में आपका हार्दिक स्वागत है। अब इसका फोटो लेके जरा उनको भेज देता हूँ, खुश हो जाएंगे। अच्छा कॉलेज है, बहुत बड़ा है यार, यू बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। फोटो ले लूं, और भाई मौसम यहाँ पे देखोगे कुछ नहीं दिख रहा, कॉल वैसे रोड पे नहीं है, बहुत दूर है। अभी मैं भाई तबका ही चल रहा हूँ, तो सुबह का टाइम है, तो फ्रेश होने के लिए पेट्रोल पंप बढ़िया था यार, इनपे साफ मिलता नहीं है, इतने छोटे से भी इतना बढ़िया टॉयलेट मिल गया ना मेरे को, मजा आ गया भाई साहब। आंखों में भाई नींद तो बहुत ज्यादा आ रही है, पर ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अभी नहीं बता रहा, अब जब मैंने सोचा, अभी जब पूरा बताया ही नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सस्पेंस बना के रखता हूँ, मेरे को सस्पेंस बनाने में कुछ ज्यादा स्वाद आता है। तो भाई ये पंजाब वाले ढुक 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 ढुक, और इनका ये पों 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 चलता ही रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरा मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, और वहाँ पे जाके सबसे पहले मेरा सोना है, अभी ना मनाली जा रहा ना शिमला जा रहा। ठीक है भाई, हम थोड़े अच्छे इंसान हैं, थोड़े देश से थोड़ी दुनिया से अलग चलने वाले, तो वहाँ पे कहीं पे जा रहा हूँ, यहाँ से रेल भी हमारी जा रही है, और यहाँ पे भाई थोड़ा सा गाड़ी में तेल भी कम है, तो मैंने चेक किया मैं जब अंदर बैठा था कि कहाँ पे सस्ता है, तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सस्ता है 3 रुपये, और यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है पंजाब में। मैं सोचा वहीं से डलवा लेंगे यार, अगर हम फुल टंकी करवाते तो 3 के हिसाब से सोचना, आधी टंकी हो गई इसकी, वैसे आज अच्छी माइलेज दे रही है भाई, आज थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ मैं, 13-14 की ठीक ठाक माइलेज दे रही है, क्योंकि स्लो स्लो चला रहा हूँ। चलो भाई अब मैं ना आपसे कल मिलूंगा, कल की वीडियो में, और आपको बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, और आपको बहुत अच्छी जगह की कवर कराता हूँ। HP का पेट्रोल पंप टॉयलेट्स रियली नाइस भाई, मजा आया मार्केट में। वीडियो लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, बहुत ठंडे में अंदर घुस रहा हूँ गाड़ी के अंदर।